सुप्रीम कोर्ट से समायोजन रद्द होने से नाराज शिक्षा मित्र आज लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 60,000 से अधिक शिक्षा मित्र लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में सत्याग्रह पर बैठ गए। सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लगा दी गई है। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक लखनऊ से वापस नहीं जाएंगे। शिक्षा मित्रों का कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आत्मदाह कर लेंगे। इसके साथ ही योगी सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो लखनऊ में शिक्षा मित्रों का आंदोलन, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो लखनऊ से नहीं जाने वाले। साथ ही साथ आत्मदाह की धमकी भी शिक्षा मित्रों ने दी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लखनऊ में जुटे हैं शिक्षा मित्र और इनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वो लखनऊ से नहीं जाने वाले। सीधे तौर पर योगी सरकार पर उन्होंने धोखा देने का भी आरोप लगाया। तो लक्ष्मण मेला मैदान, लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में शिक्षा मित्र जुटे हैं हजारों की संख्या में और इनकी मांगे हैं और उन मांगों पर यदि सरकार समय रहते मांगे पूरी नहीं करती है तो उनका आंदोलन चलता रहेगा। लखनऊ से वो जाने वाले नहीं हैं।